दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी और आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका नाम है कृष्णा भगोट जी। कृष्णा भगोट जी को आप हास्य कलाकार के रूप में तो लगातार जानते ही जानते हैं, इसके अलावा लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो नाम है, जो गौरव है, वो पूरे ही भारत भर में फैलाने में ये मशहूर हुए हैं। और उत्तराखंड के जो जाने माने हास्य कलाकारों में इनका नंबर 5 की बात करें तो 5 मुख्य शख्सों में इनका नाम आता है। सबसे पहले स्वागत है कृष्णा भगोट जी। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत और दर्शकों का भी स्वागत। आज गढ़वाल सभा रुड़की में कृष्णा भगोट जी का आगमन हुआ है। कृष्णा भगोट जी, इसका सबसे पहले कारण बताइए कि यहाँ पे आज क्या विशेष कार्यक्रम है कि जो यहाँ पे आप आए हैं, और अपने ही मुँह से बताइए, खैर, जो आप अपनी फिल्म का अनावरण आज कर रहे हैं। जी, यहाँ पर एक ऑडिशन के लिए आए हैं। फिल्म का नाम है भूमि। ये उत्तराखंड के भू कानून पर आधारित फिल्म है और ये पहली फिल्म है जिसका बजट करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया है और ये बड़े 70 mm की बड़ी पिक्चर है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्टों की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि जितना भी टैलेंट है छुपा हुआ उत्तराखंड का, वो इस फिल्म में दिखाई दे। इसलिए हम जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अभी सतपुली को में गए थे हम, कोटद्वार में ऑडिशन लिया है हमने, पौड़ी में, श्रीनगर में, दिल्ली में, नोएडा में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, हर जगह जाकर हम इस ऑडिशन को ले रहे हैं ताकि उत्तराखंड का अच्छा टैलेंट इस फिल्म में दिखे। तो ये कहाँ पे इसको पार्ट्स इसके शूट किए जाएंगे? मेनली गांव के जो उत्तराखंड का, और थोड़ा सा कानून के बारे में भी बताइए जो कि हमारा भी एक जागृति फैल पाए, जो हमारे जो दर्शक हैं चैनल के वो भी थोड़ा सा इस भू कानून के बारे में जान पाए। जी, ये भू कानून के बारे में जो जानकारी इस फिल्म के अंदर दी गई है वो ये है कि जो जिन लोगों की ज़मीनें उत्तराखंड में हो, अपनी ज़मीनें न छोड़े। और क्योंकि इन ज़मीनों पे अधिक्रमण होने वाला है बाहर के लोगों का, और जब बाहर वाले इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। आप उत्तराखंडी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आपकी ज़मीन नहीं रहेगी, आपका कल्चर तो वैसे भी ऑलरेडी ख़त्म होता जा रहा, बोली भाषा ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक आपका गाँव बचा हुआ, एक नाम बचा हुआ कि भाई आपका नाम नेगी है, बिष्ट है, थपलियाल है, जदली है, सिर्फ एक नाम बचा हुआ है ना। लेकिन जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं तो खाली इस नाम का क्या करेंगे आप? तो वही संदेश इस फिल्म के माध्यम से दिया जा रहा है कि आपके लिए ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए भू कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भू कानून ही आपको बचा सकता है। इस फिल्म के माध्यम से हम ये दिखा रहे हैं। और कलाकार के रूप में बात करें, आप माँ शारदा की तो लगातार सेवा करते ही आ रहे हैं, और जब मैं भी अपने अगर बचपन की बात करूं तो जब हम भी, मैं पौड़ी गढ़वाल से निवासित हूं और पौड़ी गढ़वाल मेरा ददिहाल ननिहाल, जब जाते थे हम तो आपके कैसेट्स वहां पे मिलते थे सतपुली में, तो हम सुनते हुए जाते थे। तो लगातार सेवा कर ही रहे हैं आप माँ शारदा की। तो इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आप एक, आपका एक विशेष पहलू भी है कि आप तंज भी कसते हैं, जो जिसे कहते हैं सरकार पे, सत्ता पे और नेताओं पे, तो इससे संबंधित भी थोड़ी जानकारी दीजिए। जो एक फॉर्म जो आज लोग यूट्यूब पे सीख पा रहे हैं कि जिसे कहते हैं सटायर, वो आपने ही एक तरह से गढ़वाल के रूप में, गढ़वाली में सटायर शुरू किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सटायर जरूरी होता है। हम, ये हमारा बहुत पुराना मबुल चाहिए कि ले से काम न करे नौ धरियालो है ना, जो नौ धनवल आदिम से वो किस नोटी से। अरे जो ये फिल्म का माध्यम से ये हालांकि सटायर नहीं से यथार्थ से जो हम ये फिल्म का माध्यम से आप तो दिखाना चाहो, और उम्मीद से कि सब उत्तराखंड जत का भी सनी फिल्म तो पसंद कर ला। और भाषा की बात करें, जो हमारी गढ़वाली हमारी भाषा है, वो आपको क्या लगता है कि जो हमारा अभिनय है, जैसे आप कला की सेवा कर रहे हैं तो अभिनय हो गया, नृत्य हो गया, गायन हो गया, क्योंकि आजकल विशेष रूप से प्लेटफॉर्म बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी सभ्यता को, जो हमारा पूजा पद्धति है, जो हमारे विश्वास हैं, देवी देवताओं हैं, और भी हमारा जो पूरा गढ़वाल है, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं लोगों को? जो आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही कि लोग हमारे उत्तराखंड के पलायन ना कर उत्तराखंड में रहें, तो एक कला ये माध्यम कैसे बन सकती है पलायन को रोकने के लिए? देखिए, बहुत सारे अब तो ये लौटने लगा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति लुप्त हो रही है, नहीं। नए नए जो बच्चे हैं, जैसे रील्स बना रहे हैं, जैसे टिकटॉक बना रहे हैं, छोटे छोटे जोक्स बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, उसके माध्यम से वो अपना उत्तराखंड को कर जाए, तो ये लौट रहा है सर, और आने वाला समय उत्तराखंड का बहुत अच्छा होगा। गढ़वाली दर्शकों को खुण है कोई मुख्य संदेश जो कृष्ण भगोट जो आम जो गढ़वाली भाषा का प्रयोग न कर दिन? मैं भी जैसे हिंदी में इंटरव्यू ले रहा था नेशनल के लिए, गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसारक और युवाओं का खुण है कोई संदेश? बस संदेश सबसे पहले तो मैं संदेश जुड़ो कि जो खतरा आपका ऊपर मंडराणु अपरा कूड़ पुंगड़ों पर अंगवाल बाटो,
और बड़ी बात यह कि अपना जो वोटर कार्ड छ जो हमारा आधार कार्ड छ जितका भी कागज छ उत्तराखंड का बनवाओ किले कि 2025-26 में परिसमन होनु पैमासाणी से और जब ये परिसमन 2026 में होलू तो तब जो जो बहुत मुश्किल आने वाले अगर आप उत्तराखंड नहीं जाए तो ये थे हमारे साथ कृष्णा भगोट जी। और कृष्णा भगोट जी जो आप पीछे पर्दा देख ही पा रहे हैं भूमि पिक्चर इसका अनावरण हो रहा है और इन्होंने खुद बताया है कि एक बहुत बड़ी एक योजना है और एक बहुत बड़ा 2 करोड़ के करीब करीब 2 करोड़ का बजट होता है। जी हाँ 2.5 से 3 करोड़ 2.5 से 3 करोड़ के बजट में एक विशेष जिसे कहते हैं कि भैया एक आंदोलन की तरह है कि भैया जो पलायन को रोकने की और जो प्रशासन के द्वारा भी जो परिसीमन और आदि आदि समस्याएं हैं उस पर एक बहुत विस्तृत विषय पर एक बात होने वाली है। मैंने सुनी कि आप देख रहे थे मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी। धन्यवाद। ठीक है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम आज अनावरण में आए हैं भूमि जो पिक्चर है उसके लिए ऑडिशन आज लिए जा रहे हैं गढ़वाल सभा रुड़की में। सबसे पहले हमारे साथ आप अपना खुद दर्शकों को परिचय दे दीजिए। धन्यवाद नेगी जी। सबसे पहले मैं जेआर जदली डायरेक्टर जदली फूड्स भगवानपुर में एक छोटा सा प्लांट है 99 में मैंने सेटअप किया है प्लांट। सबसे पहला प्लांट है उस बेल्ट का। हम पिकल्स जैम केचप सॉसेज बना रहे हैं। हम एक्सपोर्टर भी हैं। ये तो मेरा छोटा सा परिचय है। वैसे बेसिक में जो है एक सर्विसमैन हूँ बंगाल इंजीनियर से। मैं इंटेलिजेंस से रिटायर्ड भी हूँ सर्वे डिपार्टमेंट से। 99 में मैंने सेटअप किया मेरे छोटे अनुज मेरे आर एन जेटली और हमने ये सेटअप किया। अब रही बात जहाँ तक जो है मैं एक सांस्कृतिक मंत्री भी रहा हूँ इसमें 2013 से जो मैं यहाँ पे गढ़वाल सभा में हम सामाजिक कार्य में तत्पर रहे हैं। ये मेरा एक पैशन है और जो है तब से हम गढ़वाल सभा से क्योंकि हमारी ये जड़ है। मेरा ये जो ध्येय है जैसे कि हमारे भगोट जी कृष्णा भगोट जी हमारे अच्छे हम जो है अगर हमारे थ्रू अगर हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए जैसे कि इन्होंने भूमि आंदोलन पर जो फिल्म बन रही है ये बड़ी सराहनीय है। मैं भी ये लेके अपने गांव हमारा गांव बमणखोला किलबोखाल की तरफ रिकणीखाल ब्लॉक में है। मैं भी एक जुड़े जड़ों से सबसे पहले जो है ये जुड़े जड़ों से अगर हम अपनी जड़ों से अपने युवा वर्ग को जुड़े जड़ों से नहीं जुड़ेंगे जब तक हम एसोसिएट नहीं होंगे फिर हमारी सोच होगी। अगर अच्छी सोच होगी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो ये मेरा जो एक तरह से मेरा सांझा चूल्हा भी हम ऐसे अपने गांव में जो आयोजित कर रहे हैं। मैं अभी इस ये प्रोजेक्ट में मैं अभी काम कर रहा हूं और जब जुड़े जड़ों से हुए जन बाल बांध कूड़ा पुंगड़ा हुए अच्छी तो समय क्योंकि लेकिन जो प्लेट हो चे तो वे हम कल विरोध नहीं करूँ वे जन मतलब तुलसी भी हो सकते लहसन हो सकते प्याज हो सकते कैल और मैं ये अभी जो पिछले हफ्ते में विजिट छाए मेरे जो विजिट कर रहा है जुड़े जड़ों से। और वैसे पहले मैं जो रेस कोर्स एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली में कर चुकी हूँ तो ये काफ़ी अच्छा मतलब प्रयास होना चाहिए। और मैं खासकर 80 बच्चा जो मेरे मिल गई हमारे गाँव का जो नए नए बच्चे IT सेक्टर में काम करना चाहिए तो ये जुड़े जड़ों से और जुड़े जड़ों से यही है कि उसी से पैरेलल जो है ये भूमि आंदोलन है भूमि के पिक्चर है। इसलिए जो ये हमारे साथ एसोसिएट होकर मेरा अनुज मेरे चंद्रमोहन जल्दी जी जो पत्रकार हैं उन्होंने बोला भाई साहब आप इसको जरा थोड़ा सा ये हम साथ दे रहे हैं। इसके बारे में भी बात करें अगर जैसे आप एक बहुत बड़ा जो एक बात कही जा रही है क्योंकि शुरुआत बात से ही होती है जब शुरुआत बात से होगी और ये आपको क्या लगता है कि एक आंदोलन की तरह फैल जाएगा जो जिस तरह पलायन गढ़वाल में हुआ और लगातार किसी भी सरकारी तंत्र ने और किसी भी सिस्टम उसको नहीं रोक पाया और जो गढ़वाली हैं विस्थापित होकर तराई की तरफ आ गए तो आपको क्या लगता है इस तरह की पिक्चर्स की इस तरह की मूवीज़ की या फिर इस तरह का जो कंटेंट है आर्ट है उसकी आज क्या ज़रूरत है और जो कृष्णा भगोट जी और घन्ना भाई मिलकर बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। इसमें सबसे पहले एक तो चौथे स्तंभ है उसका न्यायत होना जरूरी है। ये जो आवाज़ आपके माध्यम से जाएगी ये आवाज़ हर हालत में आपके माध्यम से जाएगी उसमें से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जाएगी जो फिल्म इंडस्ट्री में जो इन्वॉल्व हैं उनके माध्यम से जाएगी। सभी का एक साथ जब बंच बनेगा तो मुझे आशा है कि ये पक्का ये आवाज़ और ये हम इस आंदोलन में जैसे कि हमने उत्तराखंड भी तो बनाया है तो ये आवाज़ है सोच होगी अच्छी सोच होगी तो पक्का करेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि भैया एक हमने जो शुरुआत में लड़ा था उत्तराखंड आंदोलन जिसके द्वारा हमने उत्तराखंड बनाया लेकिन उत्तराखंड की जो भूमि है जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ की सुविधाओं की वजह से कुछ यहाँ के परिवेश तो खैर हमारे जो परिस्थिति रही है वो तो हमेशा कठिन रही ही रही है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सरकार की नाफरमानियों की वजह से कुछ रोड की वजह से तो यहाँ से धीरे धीरे करके युवा नीचे तराई की तरफ आ गया। अब ये इस तरह की पिक्चरें कुछ कोशिशें कर रही हैं कि एक आंदोलन खड़ा हो जिसके द्वारा फिर से हमारा गढ़वाल रच बस सके। मैनम स्नेगी धन्यवाद।